एचएल टीवी न्यूज। प्रदेश में बढ़ रहे नशे को लेकर एक ओर जहां विपक्ष सरकार पर जोरदार प्रहार कर रहा है, तो वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी नशे को बढ़ते देख अधिकारियों व कर्मचारियों पर मिलीभगत की बात कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने जब इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे का बढ़ना प्रदेश सरकार के लिए चिंताजनक है, जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की ऐसे कार्यों में सम्मिलता पाई जाएगी जो प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता को नुकसान कर रहा है, ऐसे अधिकारियों को प्रदेश सरकार कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो महज अंधेरे में तीर चला रहे हैं। देखिए, जब उनको लग रहा है कि चारों तरफ से उनके खिलाफ जिस प्रकार की बातें पहले आम जन में जनचर्चा के रूप में मीडिया के माध्यम से आती थी, अब वो बातें ढींगड़ा आयोग के माध्यम से अब वो रिकॉर्ड पर आती जा रही हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी में किसी के ऊपर कार्रवाई करने का कोई हमारा ना ही कोई शौक है, ना ही कोई ऐसी हमारी मंशा है। लेकिन एक अच्छे प्रकार की, ठीक प्रकार की जांच दोषियों के खिलाफ हो, जिन भी लोगों ने इस प्रकार के जो जमीनों का लेन देन हुआ, जमीनों में जो धांधली हुई खरीद फरोख्त में, उसकी एक साफ सुथरी जांच निकल करके आए और फिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये हम लोग चाहते हैं। यही हमारा मैनेजमेंट भी है और मुझे लगता है हुड्डा साहब हमारे इस मैनेजमेंट से घबरा करके और ऊल जरूर बयान वो आज के टाइम दे रहे हैं। मंच में उपयोग की तरफ ना हो जाए, इस बात का प्रयास हम सब लोगों ने करना है। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी बनती है और इस जिम्मेवारी को मैं समझता हूँ सभी हरियाणा के नागरिक बेहतर तरीके से इसको निभाएंगे और हरियाणा के नौजवान को ठीक दिशा देने का वो काम करेंगे। सर, ऐसे अधिकारियों से किस प्रकार निपटेगी सरकार जो मतलब नशे को बढ़ावा दे रहे हैं कुछ? सर देखिए, नशे को बढ़ावा देना एक बात है और नशे को बढ़ता हुआ देखना, उसके ऊपर चुप्पी साधना दूसरी बात है। मुझे लगता है जो कहीं कोई इस प्रकार की अनदेखी कर रहा होगा, कोई भी कर्मचारी अधिकारी, वो बात ना ही उसके लिए ठीक है, ना ही समाज के लिए ठीक है, और जो समाज और प्रदेश के लिए ठीक नहीं है तो वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। अगर कहीं ऐसा कोई निकल करके आता है, मामला निकल करके आता है, कोई अधिकारी कर्मचारी इस बात को बढ़ावा दे रहा है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टोहाना से हलचल टीवी के लिए सुशील कुमार की रिपोर्ट। हलचल टीवी न्यूज़।